सो ही गाइज वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल। सो गाइज यहाँ पर मैं आप यहाँ पर बता लूँ कि यहाँ पर आप IPPBI मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आप यहाँ से लॉगिन कैसे करेंगे, यहाँ पर गाइज आप इस एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर अपने बैंक को कैसे लॉगिन करेंगे, यहाँ पर गाइज मैं आपको पूरा बता लूँ कि आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को कैसे लॉगिन करेंगे, इस एप्लीकेशन में यहाँ पर आप अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, इसको आप यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, इसके थ्रू अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो बैलेंस आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर अपने ATM कार्ड को आप कैसे देखेंगे, और साथ ही गाइज यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ATM कार्ड होता है या फिर कह लीजिए जो डेबिट कार्ड होता है वो इसी एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर अप्लाई होता है। और साथ ही गाइस आप इसी ATM कार्ड की हेल्प से आप फोन पे या फिर गूगल पे फिर पेटीएम वगैरह भी आप चला सकते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ से मैं पूरा बता लूँ कि यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन में अकाउंट को कैसे लॉग इन करेंगे, इसको प्रॉपरली कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको A to Z पूरा बता लूँ, यहाँ पर गाइस मैं पूरी जानकारी दूंगा, इसके लिए आप सिंपली क्या करिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। तो फाइनली गाइस अब यहाँ पर चलिए बताता हूँ कि यहाँ पर आप इसको कैसे यूज करेंगे। तो अब गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी गाइस आपके फोन में आपका जो प्ले स्टोर है उसको आप यहाँ ओपन करेंगे और यहाँ पर गाइस आप IPPBI मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को आप यहाँ सर्च कर लेंगे। तो अब गाइस आपको अपने फोन में इसी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अभी गाइस यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन है, देखिए यहाँ से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड के थ्रू यहाँ पे देखिए सर्टिफाइड है। तो भैया आपको सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे अपने फोन में। वेल गाइस यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर गए आप सिंपली क्या करेंगे, अब गाइस आप यहाँ ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप ओपन जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी परमिशन को आपको यहाँ अलाउ कर देना है। अब गाइस यहाँ पर देखिए आपके सामने लॉग इन नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लॉग इन नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सभी परमिशन को स्टेप बाय स्टेप अलाउ कर देंगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अपना नंबर वेरीफाई करना होगा। तो अभी गाइस यहाँ पर देखिए सिंपली कह रहा है कि अभी आपको जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है आपके जिस भी नंबर से लिंक है तो जो आपका नंबर है SIM 1 में या SIM 2 में, तो आप गाइस यहाँ से वो सिम स्लॉट आप यहाँ चूज कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पर आप सिम स्लॉट को आप यहाँ पर जैसे चूज कर लेंगे तो अब गाइस आप यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन को आप यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और अब गाइस आप यहाँ स्टार्ट SMS वेरीफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ अलाउ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो नंबर है यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस फाइनली देखिए आपके सामने इस एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन पेज होगा देखिए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर गाइस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर गाइस आपको इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए गाइस आपका सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट होना चाहिए। और जैसे गाइस आपका अकाउंट होगा तो वहाँ पर गाइस आपको सिंपली आपके अकाउंट नंबर और आपको कस्टमर आईडी यहाँ पे मिला हुआ होगा। जब गाइस आपके अकाउंट इस बैंक में ओपन हुआ होगा तो गाइस यहाँ पर आप इस तरह से एक कार्ड मिला हुआ होगा। अभी गाइस ये जो कार्ड है ये कोई ATM कार्ड नहीं बल्कि ये जो कार्ड है पासबुक है इस बैंक का। तो सिंपली गाइस इसी पासबुक पर आपको जो अकाउंट नंबर होगा और यहाँ जो कस्टमर आईडी होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप यही डिटेल आप यहाँ फिलअप करेंगे। वेल गाइस कई बार क्या होता है कि आपको जो अकाउंट होता है आपके इस बैंक में ओपन होता है बट गाइस क्या होता है कई बार आपको अपना कस्टमर आईडी और ना ही आपको अकाउंट नंबर पता होता है। तो ऐसे में जब आप क्या करेंगे सिंपली आप यहाँ 1-5-5-2-99 पे आप कॉल करेंगे और वहाँ पे उनको अपना डिटेल वगैरह बताएंगे तो फाइनली गाइस वो आपको आपका अकाउंट नंबर और जो कस्टमर आईडी होगा आपको बता देंगे। तो यहाँ पर गाइस जब आप सिंपली क्या करेंगे, अब गाइस यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे और यहाँ से आप कस्टमर आईडी फिलअप करेंगे और यहाँ से गाइस जब आप क्या करेंगे आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कैसे फिलअप करना है सिंपली आप यहाँ क्लिक करेंगे कैलेंडर पर और देखिए आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको गाइस सबसे पहले क्या करना है, अभी गाइस आपकी डेट ऑफ बर्थ का आपका जो ईयर है आप यहाँ पे सबसे पहले अपना ईयर चूज करेंगे, मतलब कि आप किस वर्ष में पैदा हुए थे वो वर्ष आप यहाँ चूज करेंगे। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ इस वर्ष पे क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पे देखिए आप इसको लेफ्ट राइट स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो वर्ष होगा यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली गाइस यहाँ से देखिए मेरा जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो यहाँ से 1995 है तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पर आप ईयर को जैसे चूज कर लेंगे तो अब गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले मंथ चूज करना होगा। अब गाइस यहाँ से आप किस मंथ में पैदा हुए थे वो मंथ आप यहाँ चूज करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर अपना मंथ चूज कर लेंगे तो अब गाइस सिंपली आप क्या करेंगे, अब गाइस आप उस मंथ में किस डेट को पैदा हुए थे वो डेट आप यहाँ चूज कर लेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर चूज कर लेंगे तो अब गाइस यहाँ पर आपका जो कम्प्लीटली डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे फिल हो जाएगा और गाइस यहाँ पे आपका जो नंबर होगा ऑटोमेटिक यहाँ से फेचिंग करेगा जैसे यहाँ पे आपका नंबर वेरीफाई होगा। अब सिंपली जब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ नीचे आएंगे, अब गाइस आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर गाइस आपको अपना MPIN सेट करना होगा ताकि जब भी आप इस एप्लीकेशन को आप आगे ओपन करेंगे तो यहाँ पे गाइस आप जो MPIN सेट करेंगे वही MPIN आप यहाँ एंटर करके लॉगिन करेंगे। अब यहाँ जो MPIN आप ऊपर फिलअप करेंगे वही MPIN आप यहाँ नीचे फिलअप करेंगे और अब गाइस सिंपली आप यहाँ सेट MPIN पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो MPIN यहाँ पे सेट हो रहा है।
अब गाइस यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपके सामने ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चंस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो अब गाइस आप यहाँ सिंपली स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब गाइस आपके नंबर पर ओटीपी एक ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा, नंबर देखिए वेरीफाई हो जाएगा और फलने के यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन है देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब गाइस यहाँ पर इस तरह से आपको जो रजिस्ट्रेशन होगा वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, अब गाइस आप यहाँ लॉग इन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आप यहाँ लॉग इन पे जैसे क्लिक करेंगे तो अभी गाइस आप यहाँ से जो एम पिन सेट किए हैं उसी एम पिन को आप यहाँ एंटर करके इसको लॉग इन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप एम पिन को जैसे एंटर करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए लॉग इन हो रहा है। अब फाइनली गाइस यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर जो IPPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। अब गाइस यहीं से आप अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। अब गाइस आप यहीं से एटीएम कार्ड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से अपने एटीएम कार्ड या डिटेल वगैरह देख सकते हैं, अपने बैंक का बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर अगर आपको अपने बैंक का बैलेंस चेक करना हो तो आप यहाँ सिंपली क्या करेंगे, अब गाइस आप यहाँ इस आई आइकन पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर देखिए आपके बैंक में जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। और अब गाइस यहाँ पर अगर आपको अपने एटीएम कार्ड का डिटेल देखना हो तो आप कैसे देखेंगे, अब गाइस आप सिंपली यहाँ नीचे आएंगे। अब देखिए नीचे आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो अब गाइस यहाँ पर देखिए आपको एक माई सर्विस का ऑप्शन मिलेगा और सिंपली गाइस यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन शो में देखिए लिखा हुआ है रुपे डेबिट कार्ड का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए रुपे डेबिट कार्ड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइस यहाँ पर आपके इस एटीएम कार्ड का जो डिटेल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर गाइस आप अपने इस एटीएम कार्ड की हेल्प से आप फोन पे चला सकते हैं, गूगल पे चला सकते हैं, आप यहाँ से अपना कोई सा भी यूपीआई एप्लीकेशन को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड आप यहाँ पर अपने इस एप्लीकेशन में आप रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ से अपने बैंक अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर गाइस आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में गाइस बेल आइकन को प्रेस करके आप पे क्लिक कर लें।